सब्सक्राइब कीजिए हर थ्राइब वीडियो यूट्यूब चैनल को हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर थ्राइब वीडियो यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, नुबिया ने अपना M2 प्ले लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उसी के स्पेसिफिकेशन पे और अंत में दूंगा मैं अपना ओपिनियन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। ब्रांड की बात करें दोस्तों तो नुबिया मॉडल की बात करें तो M2 प्ले, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉइड 7.1 नुगर देखने को मिलेगी। कस्टम यूआई की बात करें तो नुबिया यूआई 5.0 इसमें देखने को मिलेगी। डुअल सिम है दोस्तों, दोनों GSM है, दोनों नैनो है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। दोस्तों नेटवर्क की बात करें तो 4G इंडियन बैंड्स को सपोर्ट कर लेता है। दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। दोस्तों कलर की बात करें तो सिर्फ ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। स्क्रीन साइज की बात करें तो 5.5 इंच की स्क्रीन साइज है, जो HD स्क्रीन है, जिसमें आपको 267 PPI पिक्सल पर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो LCD डिस्प्ले है दोस्तों, IPS LCD टच स्क्रीन दोस्तों। और परफॉर्मेंस की बात करें यानी चिपसेट की, तो स्नैपड्रैगन 435 को अपने साथ लेके आता है दोस्तों, जो एक ऑक्टा कोर CPU जो 1.4 GHz पे बेस्ड है। Cortex A53 का आर्किटेक्चर, 64-bit का एंड्रीनो 5.505 GPU है। और रैम की बात करें तो 3 GB की रैम है दोस्तों। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसको आप 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और कैमरे की बात करें दोस्तों तो 5 MP का फ्रंट कैमरा है, जिसमें आपको BSI सेंसर देखने को मिलेगा, F2.4 का अपर्चर है। मेन कैमरे की बात करें दोस्तों तो 13 MP का मेन कैमरा है, जो सीमो सेंसर के साथ आता है दोस्तों, जिसमें आपको PDF देखने को मिलेगा, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस। अपर्चर की बात करें तो F2.2 की अपर्चर है दोस्तों, जिसमें LED फ्लैश है। इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो 4128x3096 पिक्सल की इमेज रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। सेटिंग की बात करें तो एक्सपोजर कंपनसेशन, ISO कंट्रोल। शूटिंग मोड की बात करें तो कंटिन्यूस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज, HDR मोड देखने को मिलेगी। कैमरा फीचर की बात करें तो डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, स्माइल डिटेक्शन, टच टू फोकस। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर लेता है दोस्तों। बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी है दोस्तों, लेकिन 3000 mAh की बैटरी है, बहुत कम बैटरी, ज्यादा आपको बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी है स्नैपड्रैगन 435, जो मेरे ख्याल से शायद 28 नैनोमीटर पे बेस्ड है। वो कोई पावर एफिशिएंट चिपसेट नहीं है, तो आपको मिला जुला के 12 घंटे तक की टॉक टाइम देखने को मिल जाएगी। नेटवर्क के बारे में तो हमने बात कर ही लिया, तो अब स्पेशल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें वाईफाई भी है, वाईफाई हॉटस्पॉट भी देखने को आपको मिलेगा इसमें। ब्लूटूथ का 4.1 वर्जन है, GPS भी है, NFC नहीं है इसमें, माइक्रोस्पीड 2.0 है, USB टाइप सी पोर्ट नहीं, 2.0 है। मल्टीमीडिया FM रेडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाउड स्पीकर भी, ऑडियो जैक 3.5 mm की है। स्पेशल फीचर की बात कर ले तो फिंगरप्रिंट तो है ही है फ्रंट में। इसमें आपको एम्बेड लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, इसमें आपको जायरोस्कोप नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। और बहुत प्रकार के सेंसर इसमें से, जैसे कि आपको जायरोस्कोप नहीं मिलेगा, मतलब कि आप VR का लुत्फ उसमें नहीं उठा सकते दोस्तों। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 8999 इंडिया में। अब बात करें हमारी ओपिनियन की, 8999 में एक अच्छा सा फोन है दोस्तों, मगर आप इसे मेरे खुद के ओपिनियन पर खरीदना चाहते थे सो ना खरीदे दोस्तों, इसके जगह आप रेडमी का 4 खरीद सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।